चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं। बीजेपी उम्मीदवार सीता सूरी ने नॉमिनेशन कर दिया है, दो सेट में दाखिल किया है नामांकन। जामताड़ा से चुनाव लड़ रही हैं सीता सूरी। नामांकन के बाद सीता सूरी जनता जनार्दन हमें आशीर्वाद दे रही है, उन्होंने ऐसा कहा। यह हमारी परंपरागत सीट रही है। सीता सूरी ने कहा कि वो इरफान अंसारी के आतंक से मुक्ति दिलाने आ गई है। उनके विवादित बोल पर उन्होंने माफी जैसी कोई चीज नहीं है ऐसी बातें की और कहा क्योंकि इरफान अंसारी कोई बच्चे नहीं कि बार बार गलती करते रहे। जो भी बीच में आतंक हुए हैं उस आतंक से हम मुक्ति दिलाने के लिए फिर से इस धरती पर हम आ गए हैं। आप किसी को, माताओं को, बहनों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। और झारखंड के महासंग्राम में विजय पताका लहराने के लिए बीजेपी ने वॉर रूम बना दिया है। रांची के अरगोड़ा मोहन परिसर में झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने इस वॉर रूम का उद्घाटन किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वॉर रूम विधानसभा चुनाव में चुनावी गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण होगा। के संपर्क का ये काम प्रारंभ हुआ है ताकि सही मुद्दे, सही स्थिति जनता के बीच तक पहुंचाई जा सके। विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार जोर पकड़ने लगा है। मांडर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने फिर से सिटिंग विधायक शिल्पी नेहा तिर्की को चुनावी मैदान में उतारा है। तिर्की राज्य सरकार की योजनाओं और विधायक मद से किए गए कार्यों को जनता के बीच मजबूती से रख रही हैं। कांग्रेस उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की के साथ आम लोगों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। पहले चरण का नामांकन के बाद प्रचार की शुरुआत हो गई है। इस वक्त हम मांडर विधानसभा क्षेत्र में हैं और मांडर से कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की बनाई गई हैं। इस वक्त आप देखें जो गांव के लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनके बीच प्रचार अभियान चल रहा है। शिल्पी जी, इस बार मुद्दा क्या होगा, आप कितना काम कर पाई, सरकार की योजनाएं कितनी पहुंच पाई, क्योंकि इसी पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। देखिए, झारखंड भर में जो चुनाव हो रहा है और निश्चित रूप से यहाँ के जो वोटर है वो एक सशक्त सरकार चाहती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो रहे लगातार प्रयासरत थे कि इस राज्य के लिए हम लोग बेहतरीन करें। हाँ, ये बात दूसरा है कि विपक्ष का भी लगातार प्रयास बना रहा कि कैसे इस सरकार को विफल किया जाए। कभी लिफाफा खुल रहा है, कभी उनका कुर्सी गिरा दिया जा रहा है, कभी विधायकों को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है और आखिर में तो उनको मुख्यमंत्री जी को जेल भी हुआ। तो ये सब चीजों ने हम लोग सभी देखे हैं कि अगर सरकार को सफलतापूर्वक 5 साल चलाने दिया जाता तो आज जो सरकार कर पाई है और बेहतरीन कर पाती। शिल्पी जी, अगर हम 1000 रुपए करके मिल रहा है किसी को, मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि मैडम झूठ तो नहीं बोल रही है? मिल रहा है। मैडम आती है? आती है। आप लोग की तरह क्या बहन आ रहा है? सर आती है? आते हैं। अच्छा, और ये बोल रही है बेड़ो कॉलेज अगर बन रहा है बढ़िया, उससे आपको क्या फायदा होगा? स्टूडेंट लोग को फायदा हो रहा है, कहे कि बहुत दूर दूर से आते हैं ना बड़ो कॉलेज, तो वैसे में रांची तरफ तो नहीं ना जा पाएंगे, इसलिए यही बना है, वही अच्छा है। गांव का विकास होना चाहिए और जो अबुआ आवास है वो मिलना चाहिए, अभी तक तो नहीं मिली है, शायद अभी इस साल हो सकता है मिल जाएगी। तो देखिए, ये मतदाता भी हैं और जो उम्मीदवार हैं वो भी उन तक पहुंच रहे हैं। इसी तरह से समय जैसे जैसे बीतेगा चुनाव प्रचार का शोर भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इस बार चुनाव बहुत रोचक होने वाला है। झारखंड में कई तरह के मुद्दे हैं, कई योजनाएं हैं जिनकी चर्चा हो रही है, सरकार उसको लेकर पीठ थपथपा रही है, दूसरी तरफ विपक्ष भी उन्हीं योजनाओं पर लगातार सवाल भी उठा रहा है। कैमरा पर्सन उमेश के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 मांडर। वही कोडरमा से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। सुभाष यादव का नामांकन स्वीकृत कर लिया गया, आरजेडी उम्मीदवार हैं सुभाष यादव। ईडी के मामले में बिहार की जेल में बंद सुभाष यादव ने नॉमिनेशन को लेकर कोर्ट के आदेश पर कोडरमा विधानसभा के लिए सशरीर नामांकन किया था। नामांकन के दिन ही पटना हाईकोर्ट ने सुभाष यादव के नॉमिनेशन को लेकर आदेश दिए कि उन्हें वापस ले लिया गया, जिसके बाद सुभाष यादव के नामांकन पर संशय बना हुआ था। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए आज स्क्रूटनी चल रही है और ऐसे में उम्मीदवारों के दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में उनका नामांकन स्वीकार कर लिया गया है। तो आरजेडी उम्मीदवार हैं सुभाष यादव, जिन्होंने नामांकन पर्चा पहले दाखिल किया था सशरीर उपस्थित होकर।
लेकिन तभी कोर्ट की तरफ से निर्णय लिया गया कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन इसी बीच जब आज नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जा रही थी तो उस दौरान उनके नामांकन को स्वीकार कर लिया गया। सुभाष यादव के नामांकन के संशय अब समाप्त हो चुके हैं। आज स्क्रूटनी का दिन था और स्क्रूटनी में सुभाष यादव के द्वारा दाखिल नामांकन पर्चा के चारों सेटों को अब स्वीकृत कर लिया गया है। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव जी हैं। हम उनसे ही जानेंगे क्या कुछ बातें हुई हैं और किस प्रकार से आगे चुनाव में राजद जाएगी, किस प्रकार से राजद जाएगी चुनाव में, चूंकि सुभाष यादव को नामांकन पर संशय था। कोई संशय नहीं था, हम तो पहले बताए जो कुछ लोग इस भ्रांति को फैलाने का प्रयास कर रहे थे, लोगों में भ्रम फैलाने का कोशिश कर रहे थे, वो उनका भ्रम नाकाम याब हो गया। ये इनका चारों सेट में नामांकन स्वीकृत होना ही था, क्योंकि ये न्यायप्रिय व्यक्ति है और न्याय के तहत ये कोर्ट के आदेश से आए थे नामांकन करके और पुनः वापस कोर्ट के आदेश के अनुसार से चले गए। 100% हम जीत के प्रति आश्वस्त हैं, कहीं कोई लड़ाई में है ही नहीं, 80-20 का लड़ाई है। तो ये थे राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव, जो कि कोडरमा सीट पर अपने जीत को लेकर राजद की पूरी पूरी दावेदारी 110% जाहिर कर रहे हैं। रितेश लोहानी, न्यूज 18, कोडरमा। अब आपको गोड्डा लिए चलते हैं, जहां सिकटिया मैदान में सीएम हेमंत सोरेन ने जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इस दौरान तेजस्वी यादव और दीपिका पांडे सिंह भी मौजूद रही। आपको बता दें कि आरजेडी उम्मीदवार संजय यादव के नामांकन सभा में सभी कद्दावर नेता पहुंचे हुए थे। इन सब को विफल करते हुए आज महागठबंधन की पूरी ताकत आपके सामने खड़ी है। आज एक तरफ आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक और एक तरफ पूंजीपतियों की पूरी बड़ी जमात खड़ी है। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों आप सामने चुनाव में लड़ रही है और आपको पता है इनके पास गरीबों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, किसानों को समृद्ध करने का ना योजना है ना इनके पास कोई पैसा है। और इसी बीच देवघर से बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को हेमंत बिश्वा शर्मा की चेतावनी। कहा चुनाव के बाद झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे, बांग्लादेशियों को बाहर निकालेंगे। सीता सोरेन पर कांग्रेस नेता का अमर्यादित बयान पर उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार को अविलंब ऐसे मंत्रियों को निष्कासित कर देना चाहिए जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। है कि ये चुनाव का बाद बीजेपी सरकार बनेगा और हम लोग संथाल परगना में एनआरसी भी बनाऊंगा और घुसपैठी को बाहर भी करूंगा। सीता सही मैं क्या बताऊं, ऐसा सब एक झारखंड सरकार का मंत्री ने जो सब व्यवहार किया है वो बहुत ही निंदनीय है। मैं झारखंड प्रदेश का मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, डिमांड करूंगा कि इरफान अंसारी को मंत्री सभा से बर्खास्त किया जाए। हेमंत बिश्वा शर्मा के बयान पर जेएमएम ने पलटवार किया। जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री ने बोला कि हेमंत बिश्वा शर्मा के जहरीले एक व्यक्ति हैं, वो झारखंड में जहर घोलना चाहते हैं, इनकी कोशिश नाकाम रहेगी। देखिए, हेमंता बिश्वा शर्मा जी एक जहरीले व्यक्ति हैं, उनके मुख से हर वक्त जहर निकलता है और वो ये जहर को झारखंड की धरती पर बोने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। झारखंड ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के द्वारा बोली गई बातों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। चुनाव से पहले ये सभी के सभी प्रभारी बोरिया बिस्तरा बांध कर रवाना होने जा रहे हैं झारखंड से, क्योंकि चुनाव होने से पहले ये लोग हार मान चुके हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा दावा। निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार की चिट्ठी पोस्ट कर कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठी चुनाव से पहले बड़ी संख्या में झारखंड आते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर नागरिकता दिलाई जाती है, एनआरसी लागू नहीं होने के बाद इसे रोका जा सकता है। तो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर नागरिकता दिलाई जाती है ऐसा कहना है उनका। उन्होंने कहा कि जब तक एनआरसी लागू रहता है तब तक इसे रोका नहीं जा सकता, जैसे ही इसे हटाया जाएगा वैसे ही
ये समस्या सुलझ जाए, आदिवासी मर जाए, आदिवासी तुरहित हो जाए, इसके लिए ना कांग्रेस को मतलब है, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा को मतलब है। और संथाल परगना एक ऐसे भयावह स्थिति में है कि जो ग्रेटर बांग्लादेश बनने की स्थिति है वो संथाल परगना से उसकी शुरुआत हो रही है। और इस पर जब तक कि NRC लागू नहीं हो जाएगा, आदिवासियों का जमीन हम उनको वापस नहीं लौटा देंगे, और जब तक बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ खदेड़ कर नहीं भगा देंगे, भारतीय जनता पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। वहीं अमर बाउरी ने भी इरफान अंसारी के बयान को लेकर सीएम हेमंत सोरेन पर हमला बोल दिया है। इरफान अंसारी को मंत्रालय से हटाने की मांग की जा रही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति में डूब गए। कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यह डिमांड करते हैं हम लोग कि भाई अविलंब जो है इरफान अंसारी को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया अलायंस में कल्पना सुरेन स्टार प्रचारक की भूमिका में नजर आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों से वो अपने विधानसभा क्षेत्र गांडे के साथ साथ दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी एक्टिव हैं। न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने कल्पना सुरेन से खास बातचीत की है। विधानसभा चुनाव को लेकर आधी आबादी पूरी तरह राजनीति में शिफ्ट हो गई है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है कल्पना सुरेन जी को। मैंने मैडम एक जो बात हो रही है कि पूरी राजनीति आज जो बात हो रही है कि एकदम आधी आबादी की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है, तो बुनियादी मुद्दे इसमें कहीं गैप नहीं होगा? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम आधी आबादी की बात करें तो हम बाकी अपनी मुद्दों को हम भूल गए हैं। ये सौभाग्य है कि हेमंत जी की महागठबंधन की सरकार में ये झारखंड के अब 24 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और अबुआ सरकार जो लोगों की अपनी सरकार है उसमें आधी आबादी के बारे में किसी ने अगर सोचा है, ये जो अगर सोच लेकर के आए हैं तो आदरणीय हेमंत सोरेन जी लेकर के आए हैं। और आधी आबादी जैसे आप समझ सकते हैं, मैं महिला हूँ, पहले मैं भी गृहिणी थी। गृहिणी क्या करती है? अपने को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कहीं ना कहीं त्याग करती है, परिश्रम करती है। और मैं ये समझती हूँ कि अगर झारखंड में ऐसी कल्याणकारी योजना आई है तो इसका स्वागत जरूर होना चाहिए। बोले मैडम ये बात आती है कि उधर से भी अब गोगो दीदी योजना आई है, मतलब कि पहले 1100 2100 है ना, फिर उधर 2500, तो कुल मिलाकर एक क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे बताइए, क्या कहेंगे? मतलब कि एक तरीके से अब राशि उधर से आरोप लगता है कि राशि को बढ़ाई गई गोगो दीदी योजना को देखकर। देखिए मैं तो यही आपको बताना चाहूंगी कि गोगो दीदी योजना किसको देख करके आई है? झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को देख कर आई है। और झारखंड बने हुए 24 साल अभी पूरे होने वाले, 20 साल किसकी सरकार थी, सबसे ज्यादा राज किसने किया? तो ये सवाल का जवाब वो जो अपने उनका कुछ भी आरोप रहता है उसमें वो अपना जवाब खुद ही दे देते हैं। जब 20 साल से आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं आधी आबादी के बारे में सोचा? अगर हेमंत जी ने एक सोच बढ़ाई है तो स्वागत करना चाहिए और आपको ये खुश होना चाहिए कि हमारी महिलाओं के लिए राशि की बात नहीं है। आपने क्या बढ़ाया, किसने किया, पहली सोच हेमंत सोरेन जी लेकर आए हैं जो स्वागत के रूप में है। एक जो अभी आरोप जो शुरू हो गया फिर कि सीधे एक हमला किया जा रहा है उधर से कि बंटी बबली की सरकार है, इसको आप कैसे लेते हैं, समझते हैं? देखिए उपसर्ग तो लगाने के लिए आदमी कुछ भी बोल सकता है और इतने बड़े बड़े अनुभवी लोग बोलते हैं, तो मैं तो समझती हूँ कि अब राजनीति के स्तर पे कहाँ जा रही है ये। अब हमारे अगर सीनियर्स लोग ऐसे करेंगे, मैं तो भी न्यू आई हूँ, मैं क्या सीखूंगी? या मेरे से पहले या मेरे बाद भी अगर कुछ आएंगे, कल को अगर मैं ऐसी कोई टिप्पणी करती हूँ तो मेरे बाद में आने वाले लोग क्या सीखेंगे? लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये समझती हूँ कि अगर ये बातें ऐसी रखती हैं, अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि बंटी बबली अगर वो इतना उपसर्ग लगा रहे हैं हमारे ऊपर, तो वो पिक्चर कितनी हिट हुई थी ये आपको भी पता है। तो झारखंड में अब कौन हिट होने वाला है वो उन्होंने सांकेतिक रूप से बता दिया है कि कौन हिट होने वाला है। मैडम इसी गांडे में आपकी पॉलिटिकल एंट्री हुई थी, मुझे याद है, मैं ही कवर कर रहा था, तो उसी मंच पर आपके साथ उस समय चंपई सोरेन जी थे जो आपको बकायदा बेटी का उन्होंने संबोधन दिया था, आज जो आपके साथ नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं एक बड़े अनुभवी और मेरे ससुर जी के बराबर है और मैं उन्हें चाचा जी बुलाती हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं आपको कह सकती हूँ कि अपनापन तो था ही और आज वो नहीं है हमारे साथ, आज उन्होंने अपनी विचारधारा बदल ली है। मैं उसमें कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ों का होना छोटों के लिए एक सौभाग्य की बात होती है।
राजनीति में अभी आप कहाँ देख रहे हैं, जिस तरीके से आप देख रही हैं कि सियासत चुनाव विसर पर है और अभी एकदम से डिसाइडिंग फेज चल रहा है, तो आप जेएमएम को या इंडिया गठबंधन को कहाँ पा रही हैं? देखिए, मैं तो इंडिया गठबंधन को हमारी झारखंड की जनता के विश्वास में पा रही हूँ, उनकी प्यार में पा रही हूँ, उनके आशीर्वाद में पा रही हूँ, क्योंकि हम लोग आज अगर धरातल पे उतरे हैं तो काम के बूते में उतरे हैं। हम लोगों ने काम किया है। इस महागठबंधन सरकार ने झारखंड के लिए कैसी गहरी और लंबी लकीर खींच दी है, जिसका सोच पाना हमारे विपक्षियों के पास में तो है ही नहीं, अगर आप काम की बात करें। आखिरी सवाल मैडम, इरफान अंसारी जी ने जिस तरीके से कह सकते हैं कि एक शब्द का इस्तेमाल किया, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, आप खुद भी जान रहे होंगे, वो शब्द को लेकर सीधे जोड़ा गया कि जामताड़ा से सीता सोरेन जी वहां की उम्मीदवार है, तो महिला सम्मान से जोड़ा गया, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, ये उन्होंने अपना व्यक्तिगत टिप्पणी किया और उन्होंने मैंने जो मुझे जानकारी मिली है उन्होंने ये माफ़ी भी मांगी है, और मैं ये समझती हूँ कि ऐसी बातें, जिस तरीके से आपने बताया ना कि हम लोग उपसर्ग एक दूसरे पर लगाते हैं, क्या सीखता है कोई भी नेता अगर यंग है या आने वाली पीढ़ी हमारी क्या सीखती है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको ये बात भी दोबारा, उन्होंने तो माफ़ी मांगी है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षण का जरूर करना चाहूँगी कि इस तरीके की बातें आदरणीय हेमंत सोरेन जी के ऊपर में उन्हें जंगली घर करके संबोधित किया गया था। बिल्कुल, कल्पना सोरेन जी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं, साफ बता रही हैं कि जो विरोधियों की ओर से भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीति में, वैसी भाषा के लिए कोई जगह नहीं है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 गिरिडीह। रांची से बड़ी खबर आ रही है, युवती हत्याकांड का खुलासा हुआ है। खरसीदा गोपी में हत्या हुई थी। हत्याकांड के दो आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। युवती और अमरदीप के बीच प्रेम संबंध था। युवती बना रही थी शादी का दबाव। गुमला की रहने वाली थी युवती। तीनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की थी। मुख्य अभियुक्त अमरदीप गोप वही सोनू नायक का पुराना है आपराधिक इतिहास। एक पुलिसकर्मी की बेटी की हत्या में सोनू आरोपी बताया जा रहा था। और फिलहाल